हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट में जो सुपर कॉइन बैलेंस होता है उसको आप जो है डायरेक्ट इन रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हां फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो सुपर कॉइन बैलेंस मिलता है आपके फ्लिपकार्ट में, आप जो है दोस्तों उसको अपने बैंक अकाउंट में नहीं भेज सकते पैसे में बदल करके। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ्लिपकार्ट में जितना भी सुपर कॉइन मिलता है उसको आप जो है बैलेंस के रूप में उसको चेंज करके आप उसको कैसे बैंक में भेज सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, ये पूरी तरह से जेन्युइन वीडियो है, तो इसके लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो अब गाइज, आपको फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन बैलेंस जो आपको मिलता है उसको बैलेंस में ट्रांसफ़र करके अपने बैंक अकाउंट में भेजने के लिए आप सबसे पहले अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे। अब जैसे ही आपका फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा तो इसका जो होम इंटरफेस होगा आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पे गाइज, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपका फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन नहीं अपडेट है तो प्लीज़ आप प्ले स्टोर पर जा करके वहाँ से उसको अपडेट कर लीजिए। तो जैसे ही अब आपका एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाता है तो अब गाइज यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सुपर कॉइन का, तो आप यहाँ सुपर कॉइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सो अब गाइस, जैसे आप सुपर कॉइन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको जो है टॉप राइट कॉर्नर पे आपके फ्लिपकार्ट में सुपर कॉइन बैलेंस कितना है वो यहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 224 सुपर कॉइन बैलेंस है यहाँ पे। तो अभी गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप इसी सुपर कॉइन बैलेंस को अपने बैंक में कैसे भेज सकते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड मैं अभी आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो अब गाइस, अगर आप इस सुपर कॉइन का यूज मोबाइल रिचार्ज करने के लिए करना चाहते हैं तो आप मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं सुपर कॉइन बैलेंस के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, आपको ऑप्शन मिलेगा रिचार्ज का, यहाँ पे देखिए आल सेक्शन यहाँ पे ओपन है और आप इसको यहाँ लेफ्ट स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा रिचार्ज का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा आएगा फ्लिपकार्ट परमिशन का, तो आप यहाँ अलाउ करेंगे। उसके बाद आपके पास जो है एक मोबीक्विक अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद फ्रेंड आपका जो सुपर कॉइन है फ्लिपकार्ट में वो बैलेंस के रूप में चेंज हो जाएगा और उसको आप मोबाइल रिचार्ज के लिए कर सकते हैं। तो अभी चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको बैंक में कैसे भेजेंगे। अब फ्रेंड, आप इस सुपर कॉइन को बैंक में भेजने के लिए आप इस फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को यहाँ से क्लोज कर देंगे, मतलब कि यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड, अगर आपके फ़ोन में फ़ोनपे एप्लीकेशन होगा तो आप यहाँ फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन करेंगे। जैसे ही आपका फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन हो जाता है तो अब गाइज, आपको जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको आपके प्रोफाइल का आइकन शो होगा, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। वेल गाइज, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे गाइज आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू ऑल पेमेंट मेथड का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पेमेंट मेथड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोनपे में पेमेंट मेथड का जो सेक्शन होगा वो यहाँ ओपन हो जाएगा। अब गाइज, आपको जो है इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे ले जाना है और जैसे ही आप यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आप समझ लेगा लिंकेड अकाउंट का, तो यहाँ पे देखिए जो पहला है वो IOCL का है और आपको यहाँ से देखिए इसके राइट साइड में आप अगर इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देख लिखा है सुपर कॉइन लिंक नाउ, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सुपर कॉइन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नाउ फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स ऑन फोनपे, तो अब गाइज आप यहाँ लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जो इन्फॉर्मेशन हो यहाँ पे फैचिंग हो रहा है। यहाँ पे गाइज, मैंने जैसे लिंक पे क्लिक किया तो किसी टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पे नहीं लिंक हुआ, लेकिन अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका लिंक हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड, वो जो सुपर कॉइन आपको वहाँ पे शो हुआ है वो जो है फ़ोनपे में यहाँ पर आ जाएगा और आप यहाँ पर जा करके आप उस सुपर कॉइन को वो जो है ऑटोमेटिक बैलेंस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप उसको अपने बैंक में भेज सकते हैं। सो गाइस, यही एक प्रोसेस होता है कि आप उसको कैसे सेंड करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।